नमस्कार आदाब, मैं अर्जुन आपका द डेली हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ दो बच्चे हैं यहाँ पर, मैं इनके साथ इंटरेक्ट होना चाहता था काफ़ी देर से। ये यहाँ पर हमारे विलेज में आए तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। इसमें से एक ये बच्चा जो है ये अमेरिका में रहता है और ये हमारे भारत में रहता है। ऐसे दोनों भारतीय हैं और बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं। ज़रूर आपको सबसे पहले इनका नाम मैं पूछूंगा और आपको बताऊँगा भी दर्शकों को। क्या नाम है आपका? मुकुल शर्मा। मुकुल शर्मा। हाँ। आपका? मेरा अध्यात्म शर्मा। अध्यात्म शर्मा। आप कहाँ रहते हो बस बताओ? अमेरिका में। अमेरिका में? हाँ। किस जगह रहते हो अमेरिका में? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। आप कहाँ रहते हो? और मैं रहता हूँ उधमपुर में। उधमपुर में। ठीक। आप किस किस क्लास में पढ़ते हो? दोनों बताओ। आप किस क्लास में? सेकेंड में। आप? मैं सिक्स्थ क्लास में। सिक्स्थ क्लास। ये एक बच्चा सेकेंड में है और एक बच्चा सिक्स्थ क्लास में। मैं यहाँ पर ये काफ़ी देर से ये मुझे बता रहे थे कि मैं यहाँ पर 6 से 7 बार आ चुका हूँ विलेज देखने, तो इनसे पूछूंगा कि यहाँ कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं मुकुंद से पूछूंगा। मुकुंद, आप मुकुंद मुझे बताएं, आप थोड़ा आप यहाँ पर आए हो, आपको कैसा लगता है? अमेरिका में अच्छा लगता है कि यहाँ पे? सच बोलना है, अमेरिका अच्छा लगता है? इधर नेचुरली आपको ये बहुत अच्छा लगता है? हाँ। नेचर अच्छा है यहाँ का? हाँ। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे एंजॉय की थोड़ा मुझे बताएं। क्लाइम माउंटेन को क्लाइम करना, घोड़े पे बैठना और बस। और यहाँ क्या खाना अच्छा है? अमेरिका में क्या खाते हो ज़्यादा आप? वहाँ क्या पसंद करते हो खाना? पता नहीं, वहाँ खाते नहीं कुछ? राजमा खाता हूँ वहाँ पे। राजमा खाते? वो यहाँ अमेरिकन राजमा होते हैं कि भारत से ले जाते हैं, इंडिया से ले जाते हैं? पंजाबी राजमा खाते हैं। आप मुझे बताएं थोड़े इस इलाके के बारे में, आप 5 से 6 बार यहाँ आ चुके हैं, कैसा लगता है, क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं आपको यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे यहाँ का खाना, यहाँ का जो माउंटेन्स होते हैं, यहाँ का जो व्यू होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ और मैं फ्यूचर में आऊँगा भी बहुत बार, क्योंकि मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगती है। आप बाकी लोगों को भी बोलना चाहेंगे कि आप यहाँ विदेश देखने आए? हाँ, मैं सबको जो ये वीडियो देख रही हूँ, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप इस जगह पे ज़रूर आना, अपना चाहे 2 से 3 दिन तक ही आना, पर ये इस इलाके में ज़रूर आना। ये मतलब आपको जो मज़ा शहर में आता है ना, जो मज़ा यहाँ पे आता है ना, वो शहर में नहीं आता, बिकॉज़ यहाँ पे फुल नेचर होता है, यहाँ पे टेम्परेचर एकदम मतलब एकदम अच्छा होता है, शहर की तरह नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ठंड, यहाँ पे एकदम मतलब मीडियम टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो नेचर होता है, यहाँ के जो माउंटेन्स होते हैं, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, आप ज़रूर आना यहाँ। आप गए किसी माउंटेन को देखने? हाँ जी, हम डे बिफोर यस्टरडे परसों हम गए थे जो डोसा के ऊपर एक माउंटेन है, वहाँ पे हम ट्रैकिंग करने गए थे। तो वहाँ पे हम हॉर्स के ऊपर हमने पूरे 10 to 15 kilometers हमने पे गए थे। उसके बाद हमने थोड़ा सा 1 to 2 kilometers हम भी चले थे और बहुत मतलब बहुत लंबा ट्रैक किया था हमने, 4 to 5 hours का। तो जब हम एक बार ऊपर पहुंच गए, इतना मतलब बादल हमें छू रहे थे, इतना मतलब इतना सुंदर था ना ऊपर व्यू। हमने ऊपर बैठ के खाना खाया था, हमने मतलब यहाँ पे स्पीकर पे गाने लगाए थे और बहुत मज़ा आया था। तो जो और फिर आते वक्त भी हम लेकिन आते वक्त हम हॉर्स पे नहीं आए थे, हम खुद ही आए थे चल के। थके नहीं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं थके ना। अच्छा, आपने भी घोड़े की सवारी की? हाँ, लेकिन ठीक मज़ा आया था। हाँ। पैदल ही चले आप? हाँ, पैदल चलने में मज़ा आया, घोड़े पे मज़ा आया? पैदल। बिल्कुल। ये दोनों बच्चे आप देख रहे हैं, ये अमेरिका में रहते हैं, भारतीय हैं, दोनों भारतीय हैं, ये उधमपुर में रहते हैं। तो बता रहे हैं, जब ये पूछ भी रहे थे हम इनको खाने के बारे में खासकर, तो कह रहे हैं राजमा वहाँ पर ही बहुत खाते हैं अमेरिका के अंदर, और वो राजमा भी भारतीय होते हैं। और यहाँ की जो सब्ज़ी के बारे में, यहाँ की जो देसी सब्ज़ी होती है हमारी भिलेसा की, उनकी भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, क्योंकि एक नेचुरली यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक जो चीज़ें बनती हैं, वो कहीं ना कहीं
जो भी लोग यहाँ पर आते हैं ज़रूर उनको पसंद आती होंगी, और बिल्कुल उससे व्यक्ति भी जो है अच्छा रहता है, नेचर प्रकृति यहाँ की जो है वो सुंदर है। उसके बारे में बता रहे थे, आप बता रहे थे ना आपने क्या क्या खाया इधर, थोड़ा बताओ क्या खाया, अच्छा लगा नहीं? यहाँ पे हमने साग खाया था, पालक खाया, गरम खाया था हमने, और एक नमकीन चाय होती है ना, नमकीन उसके अंदर चूड़ी डाल के खाते हैं। अच्छा। जो मछली की रोटी टाइप होती है वो बहुत टेस्टी होती है, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आप उधमपुर में नमकीन चाय पीते हो उधर? नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं है। तो नमकीन चाय हमारा कश्मीरी कल्चर है यहाँ का, और डोडा के इस इलाके में भी नमकीन चाय जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। ये भी उसी की बात कर रहे हैं कि नमकीन चाय में चूरन बनाते हैं, मट्ठी टाइप होती है, वो इनने खाई, बहुत मज़ा इनको आया। अब क्या संदेश देंगे यहाँ के लोगों, और जो खास करके बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है बेटा? मेरा संदेश यही है कि आप इस जगह को एक बार ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि यहाँ पर जो माउंटेन्स पे आप ट्रैक करना, यहाँ पे आप एक बार इस जगह को पूरा एक्सप्लोर करना, इस सिटी को आप मतलब हायर आल्टीट्यूड्स पे जाना, उसके बाद यहाँ का ऑर्गेनिक खाना खाना, यहाँ की जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती हैं, और मतलब बहुत मज़ा आता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। आप नाम बताएं मुझे एक बार लास्ट कर रहे। मेरा नाम है अध्यात्म शर्मा। अध्यात्म, और आपका? मेरा मुकुर शर्मा। मुकर और अध्यात्म और मुकर, ये दोनों मेरे साथ थे और इनके साथ मैं बात कर रहा था। ये आप भलेस पहुँचे हैं और ये तो काफ़ी बार आ चुके हैं, और बहुत भलेस के बारे में बता रहे हैं कि क्या चीज़ें इन्हें यहाँ पर अच्छी लगी, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के नेचर के बारे में बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा इन दोनों से मुझे बात करके, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी इन बच्चों की वीडियो आप ज़रूर देखें, और इस इलाके के बारे में जो भलेस है, यहाँ की जो भले लोग हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है, उसे आप निहारने एक बार ज़रूर आएँ, और इस इलाके को देख करके जाएँ, और इस सुंदरता को देख करके ज़रूर जाएँ। आप सभी लोगों का द डेली हिंदुस्तान देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।